मैक्सिमम पावर का बात करें तो 10 PS का मैक्सिमम पावर और 10 Nm टॉर्क। तो मेरे सामने देख रहे हो बाइक खड़ी है हीरो का ग्लैम्बर, और इसका दो वेरिएंट आता है, एक एक्सटेक भी आता है, ये विदाउट एक्सटेक है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं रहेगा, बाकी यहाँ पे डिजिटल मीटर वगैरह जो भी है वो रहेगा। ये भी बाइक जो E22 कंबाइंड के साथ आ रही है। क्या क्या चेंजेस हुआ सारा कुछ आज हम आपको कवर करेंगे इसमें, ये बाइक में और एक्सटेक में। तो ये एक्सटेक नहीं, पहले का मॉडल है, अभी भी ये बाइक अभी आपको शोरूम में अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को एक्सटेक मॉडल पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको ये मॉडल आप इंदा सुपर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेल पैनल पे जो डिज़ाइन किया गया क्रोम फिनिशिंग के साथ, काफ़ी कमाल का है। इसका जल्दी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में एच हीरो का लोगो, हेडलाइट जो सेम पहले जो आता था सेम आने लगा है, क्योंकि पता है बीच में ग्लैम्बर का जो मॉडल हुआ है वो चेंज हुआ था, लेकिन इसको चेंज करके फिर वापस ग्लैम्बर जो पहले जिसमें स्टार्टिंग में आ रहा था वही मॉडल में फिर से आ चुका है। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट देखने के लिए मिलेगा, नंबर प्लेट इस जगह पे, इंडिकेटर सेम, सस्पेंशन जो पहले आता था टेलीस्कोपिक सेम आपको टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट मिडगार्ड ग्लॉसी ब्लैक में प्लास्टिक फाइबर में वही सेम चीज़। ब्रेकिंग सिस्टम आपको देख सकते हैं यहाँ पे दो केबल देखने के लिए मिल रहा होगा, ये क्या होता है आपको बताते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अगर पीछे ब्रेक आप दबाते हैं ना, मतलब पीछे ब्रेक यूज करते हैं, तो आपको फ्रंट ब्रेक भी जो है वो भी आपका काम करेगा, उसी का एक केबल होता है, फ्रंट ब्रेक का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 80 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, 80-100 और 18 इंच व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर, वहाँ पे एलओई पे वैसा आपको कलरफुल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी की देखा जाए तो यहाँ पे सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिलेगा, इधर से सेम लुक, मतलब लुक में आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे फेयरिंग पे आपको FI लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा, और ग्लैम्बर में मतलब FI मॉडल बहुत पहले से आ रहा है, ये चीज़ भी आपको पता, जिसमें 125cc के सेगमेंट में किसी में नहीं आ रहा था उस टाइम, इस कंपनी ने हीरो ने आपका ग्लैम्बर में FI मॉडल लॉन्च किया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारा कुछ हो ऐसे लोगों को मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट आ गया था FI को लेकर, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट में विदाउट FI का कोई बाइक भी लॉन्च भी नहीं होता। नीचे की ओर देखा जाए तो यहाँ पे टेल पैनल से ऊपर यहाँ पे देखते हैं टैंक पे ग्लैम्बर का बैचिंग कुछ इस तरह का क्रोम फिनिशिंग टाइप से फ्यूलिंग करवाने के लिए ये जगह पे आपको हो जाता है। E20 यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। इधर देख सकते हैं पासिंग का स्विच, लो बीम हाई बीम लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच, इधर i3 स्मार्ट का बटन, इधर हो जाता है आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन। बाकी ये देख सकते हैं किक का भी ऑप्शन मिलेगा। 125cc के सेगमेंट में ऑलमोस्ट जितना सारा बाइक आता है उसमें किक होना ही चाहिए, और हीरो का ऑलमोस्ट बाइक में आपको किक मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको काफ़ी कमाल का लगता है, क्योंकि बाय द वे कभी बैटरी वगैरह डिस्चार्ज होता है तो सिचुएशन में क्या होता है ना कि लोग फंस जाते हैं कि राइड कैसे करना चलाना कैसे इस सिचुएशन में, उसके लिए ये है कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी गियर शिफ्टिंग यहाँ पे दिया गया है, 5 गियर का ऑप्शन मिलेगा आपको, साइड स्टैंड मिलेगा, साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच मिलेगा, साइड स्टैंड को जैसे ओपन करते हैं बाइक बंद हो जाएगा। यहाँ पे डबल स्टैंड का भी ऑप्शन, फुटरेस्ट जो है ऐसे फोल्डेबल है नॉर्मल, ये भी मैनुअल फोल्ड है, इसको आराम से भी फोल्ड करके रख सकते हैं। लेडीज़ का फुटरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, साइड फुटरेस्ट इसको बोला जाता है। पैनल पे i3 स्मार्ट हीरो का लोगो, और टेल पैनल पे ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाकी स्टिकर वगैरह किया गया है, ठीक है। बाकी अब देखेंगे बैक साइड से, तो बैक साइड से अब आपको बता दें कि यहाँ से आ जाते हैं हम बैक साइड, ग्रैब रियल देख सकते हैं इसको, जिसको बरो हैंड बहुत को ग्रैब हैंडल ग्रैब रियल बहुत को अपने अपने लैंग्वेज में बहुत सारा कुछ बोलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी कमाल का मैच किया गया है। यहाँ पे हीरो का देख सकते हैं हीरो का लोगो, बैकलाइट चेंजेज है, पहले जो ग्लैम्बर में आता था वो नहीं है, इसमें चेंजेज है, ठीक है। इंडिकेटर सेम, नंबर प्लेट का ऑप्शन, नंबर प्लेट का लाइटिंग भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। रियर मिडगार्ड वगैरह देख सकते हैं, सीट का सिंगल सीट के ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी टेल पैनल वगैरह सारा कुछ सेम लुक इधर से भी। यहाँ पे आपका जगह खाली लग रहा होगा तो यहाँ पे डिक्की लग जाता है, क्योंकि ये बाइक एक ऐसा बाइक है ना जो फैमिली पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या तो फील्ड वर्क को जो काम करते हैं उसके लिए बेहतरीन बाइक है। और सबसे ज़्यादा मार्केट में अभी आप देख भी रहेंगे, क्योंकि इसका अलग तोड़ है, मतलब हर कोई इसका कंपेयर किसी अलग बाइक से नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके कारण आज भी ये जो मार्केट में अभी भी चल रही है, ठीक है। तो इधर आपको हो जाता है, बाकी सस्पेंशन देख सकते हैं रेड कलर में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टायर अगर देखा जाए तो मिल जाता है आपको सेम टायर 180 और 18 इंच व्हील के साथ ट्यूबलेस है। यहाँ पे जो आपको C8 जूम का टायर मिलेगा देखने के लिए, ये भी आपको नाइलॉन में मिलेगा और भी ट्यूबलेस। फुटरेस्ट वगैरह सेम, एग्जॉस्ट का यहाँ पे देख सकते हो नट वगैरह जो लगा हुआ, बोल्ट वगैरह जो भी लगा हुआ, इसमें ऊपर से एक एक्सेसरीज लगाता प्रोटेक्शन के लिए, पैर वगैरह रखने पर हीटिंग वीटिंग पैर पे ना आ जाए इसके लिए। फुटरेस्ट वगैरह सेम चीज़ है, यहाँ पे इतना सारा कुछ हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका प्राइस से रिलेटेड, क्या इसका प्राइस पड़ता है एक्स शोरूम ऑन रोड, इंजन का पावर क्या, परफॉर्मेंस क्या, माइलेज क्या है, और आगे ओवरऑल देखा जाए तो और क्या क्या छूट जाता है। अब हम बात कर लें अगर इसका इंजन से रिलेटेड, तो इसमें मिल जाता है आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 124.7 cc का। मैक्सिमम पावर का बात करें तो 10 PS का मैक्सिमम पावर और 10 Nm टॉर्क के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है।
फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का बात करें तो हो जाता है FI, जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्टर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है FI को लेकर कि FI क्यों होता है। तो FI इसलिए होता है यार, FI जो टेक्नोलॉजी है इसलिए लाया गया, वो चीज़ सबसे पहला खास है कि माइलेज के लिए लाया गया। माइलेज के लिए, क्योंकि हर कोई बाइक अगर 125cc के सेगमेंट में परचेज करता है तो सिर्फ और सिर्फ माइलेज के लिए और पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए, या तो फिर फील्ड वर्क के लिए। तो इस सिचुएशन में आपको माइलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो कंपनी इसका क्लेम कर रही 55 का, और ये कस्टमर का खुद रिव्यू मिला है माइलेज से रिलेटेड, क्योंकि जितना सारा भी मतलब ग्लैमर यूज कर रहा है 125cc सेगमेंट में, जितना सारा बाइक है माइलेज लगभग सबका वो 55 का है, जो जेन्युइन माइलेज है जो भी सबमें मिल रहा है, ये हो जाता है। बाकी गियर ट्रांसमिशन का बात करें तो 5 गियर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, पहले 4th गियर तक आता था लेकिन यहाँ पे अपडेट करके 5 गियर बॉक्स, यहाँ पे 5 गियर का आपका गियर बॉक्स यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि अलग अलग मॉडल अलग अलग वेरियंट, तो 2 वेरियंट आता है, पहला आपका ड्रम ब्रेक और दूसरा आपका डिस्क ब्रेक, और तीसरा एक और मॉडल आता है एक्सटेक मॉडल। एक्सटेक मॉडल का अगर रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर सकता है, उसमें आपका ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस किया गया, आई थिंक मेरे हिसाब से LED हेडलाइट भी किया गया। अगर उसमें भी आपको रिव्यू चाहिए तो बिंदास उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, कन्फर्म भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस मतलब बाइक का जो एक शोरूम प्राइस जो पड़ जाता है वो आपका अगर डिस्क में लेते हैं तो 1,01,000 के आसपास आपको पड़ जाता है, और विदाउट डिस्क का लेते हैं तो 95,000 के आपको सबको पकड़ लेना है, ऐसे कुछ पड़ता है। बाकी प्रेजेंट टाइम में अपडेट और प्राइस चेंज होते रहता है अलग अलग मॉडल अलग अलग वेरियंट में, सारा कुछ आपको जानकारी ले लेना, शोरूम का डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम ID आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, अगर कुछ भी जानकारी छूटता बिंदास कर सकते हैं, कन्फर्म में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का रिव्यू खत्म करते हैं ग्लैमर 125cc के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।